ठीक है। चैप्टर है 13, सरफेस एरिया का वॉल्यूम में मैं स्टार्ट कर रहा था। क्या बोल रहा हूँ नहीं यार, इसे पूरा तो कभी नहीं है, इतना एरिया नहीं है, तो यहाँ पे आपको भी लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी आसमान। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें क्यूबॉइड की, क्यूब, क्यूब का एलएससी ऑफ क्यूब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एलएससी ऑफ क्यूब कितना होता है कौन बता रहा है? LSA of cube 4a square, TSA of cube 6a square, volume of cube a cube. सबसे पहले की बात की थी क्यूबॉइड के, अब लेंथ ऑफ द डायगोनल आता है, लेंथ ऑफ द डायगोनल, लेंथ ऑफ द डायगोनल की मैं बात करूं तो बेटा वो होता है रूट थ्री ए। यहां थोड़ा ध्यान रखना, फॉर्म आपके पास ये भी होती है रूट थ्री ए स्क्वायर, ठीक है, यहां आती है स्क्वायर यूनिट, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, यहां आता है स्क्वायर यूनिट, यहां आती है क्यूब यूनिट, यहां कली यूनिट, क्लियर है? यस सर। स्क्वायर तो यस सर, सही स्क्वायर तो नाम भी होगा कहां पे, यहां पे भी आ सकता है, यहां भी हो सकता है, दोनों फॉर्मूले सेम है। देव क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आता है क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड सीएसए ऑफ अ क्यूबॉइड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, टीएसए ऑफ क्यूबॉइड 2 पाई आर एच प्लस आर, सीएसए 2 पाई आर एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पाई आर स्क्वायर। पहले नोट कर लो, यहां आएगा स्क्वायर यूनिट, यहां भी स्क्वायर यूनिट, फिर यहां आ जाएगा सर। ये क्यूबॉइड का है या सिलेंडर का? बेटा सिलेंडर है, सॉरी सिलेंडर, ठीक है, पहले नोट कर लो, इसी के बाद क्वेश्चन करा देते हैं। नोट हो गया बेटा देव? यस सर। आपको पहला फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल दे रहा हूं मैं,
द स्क्वायर ऑफ द डायगोनल ऑफ अ क्यूब diagonal of cube 192 centimeter square. Find out the LSC of cube, TSC of cube, volume of cube. डायगोनल ऑफ क्यूब का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है रूट थ्री ए. डायगोनल ऑफ क्यूब है आपके पास 192 इक्वल टू रूट थ्री ए. क्लियर है? 192 से ऐसे पहले सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे आप? ए की. कैसे फाइंड आउट करेंगे? ए की वैल्यू आ जाएगी 192 अपॉन रूट थ्री. फाइंड आउट करें ए, फाइंड आउट कीजिए. रूट थ्री से इंटू रूट थ्री से डिवीजन 192 root 3 upon 3 a कट कर लेंगे 6 जा 4 जा 64 root 3 सेंटीमीटर. सबसे पहले ध्यान से देखना है, यहाँ पर आंसर ड्रॉप कर सकते थे. देखो आप प्रैक्टिकल root 3 से इनटू root 3 से डिवीजन कराया, 3 से इसे कट करा 64 root 3 आया और ये बचा खाली root 3. ठीक है, ये स्टेप क्लियर है? यस या नो? देव अप रखते हैं, देव अप. यस सर. अरे स्पेस क्लियर है सर? रूट थ्री सामने से निकल गया. ये वाला स्टेप क्लियर है ना? तक हाँ इतना है. यहाँ पर इसके अपोजिट से इनटू करा ली, सी नंबर से इनटू करा ली. मैथ के अकॉर्डिंग रूट थ्री अपॉन में नहीं हो जाता था, कॉन्जुगेट के इनटू कॉन्जुगेट का डिवीजन किया. देव लाइन के लिए है यस या नो? देव. यस सर. पहले इतना नोट करो, अब उसके बाद एलएससी. एलएससी ऑफ क्यूब कितना होता है? 4 ए स्क्वायर. 4 ए स्क्वायर एलएससी ऑफ क्यूब 4 ए स्क्वायर. 4 इनटू ए कितना है? 64 into 64 into root 3 into root 3 into करा के आप मुझे आंसर बताओ कितना आ रहा है. जल्दी से सर 49,152 सेंटीमीटर स्क्वायर. देख बेटा आंसर आया है यस या नो? यस सर. यानी कि आपका एलएससी ऑफ क्यूब आया हमारे 49,152 सेंटीमीटर स्क्वायर. टीएससी टोटल सरफेस क्यूब का
6a² 6 into 64 into 64 3 into 3 6 into 3 into 64 into 64 18 into 64 into 64 centimeter square. आंसर बताएंगे आप कितना आ रहा है. So 73,728. कितना आ रहा है? 728. आगे लिखा आपका भी. फिर आप करते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूब. मैंने एक ही में बेटा सब चीजें फाइंड आउट कर दी. वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है एक क्यूब. तो 64√3/4 कितना आ रहा है बेटा? देव जस्ट 786432√3. कैलकुलेशन अभी एक बार आंसर और फाइंड आउट करना है तो देखते हैं. सेवन एट सिक्स फोर थ्री टू यस सर टू थ्री सेंटीमीटर क्यूब. मैंने एल एस से आया था आपका 7 3 7 2 8 वॉल्यूम आया 7 8 6 4 3 2√3 सेंटीमीटर. दे बेटा कॉपी हो गया. देव यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेंडर. द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टू द बेस एरिया.
बेस एरिया गिवन है आपके पास 606 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट आपके पास गिवन है 2 मीटर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बेस एरिया का कौन फॉर्मूला बता रहा है कितना होता है? प्राची बेस एरिया फॉर्मूला, बेस एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। आपके पास वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच के, बेस एरिया का मतलब 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, 606 इनटू हाइट, हाइट को कन्वर्ट कर लेंगे सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर क्यूब। बेस एरिया की जो वैल्यू थी वो आपके पास थी बेटा 606 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपने वो वैल्यू वहां पुट करा है, गुड पर आपने मल्टीप्लाई किया आपने पर आपका आंसर आया। देव क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 7 सेंटीमीटर, कैपिटल डी की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, हाइट 16 सेंटीमीटर, LSA of cylinder TSA of cylinder volume of cylinder सबसे पहले हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे, देख वो होती है डी अपॉन टू, पहले 7 अपॉन 2 सेंटीमीटर, 3.5 इसलिए नहीं रख रहा हूँ मैं क्योंकि जब पाई की वैल्यू 22 7 तो 22 अपॉन 7 पुट करा हो तो 7 से 7 का कट हो जाएगा। सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं LSA, LSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है कौन बता रहा है? बेटा जितना आपका सी एस सी होता है उतना आपका एल एस सी होता है, 2 पाई आर एच, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 16, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, 22 इंटू 16 आंसर आ जाएगा 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर आता है आपका TSA, TSA ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 16 प्लस 7 अपॉन 2, 7 से 7 कट, 2 से 2 कट, 22 into bracket में 16 plus 3.5, 22 into 19.5, solve करो TSA और आंसर बताइए।
एलएसए आ गया, टीएसए, सर 4290, 429 सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर है, पाई 22 अपॉन 7 इनटू 7 अपॉन 2 का होल स्क्वायर इनटू 16, 22 अपॉन 7 इनटू 49 अपॉन 4 इनटू 16, 7 से 7 टाइम, 4 से ये 4 टाइम्स, 22 इनटू 28 616 सेंटीमीटर क्यूब। देख बेटा पर इसमें कैलकुलेशन हैवी है, ध्यान रखना, जिसने हल्की सी भी मिस्टेक करी तो कैलकुलेशन पूरी गलत कर जाएगा। कॉपी हो गया हो तो रख कर दूं। देव प्राची, यस सर, यस सर। CSA of cylinder equal है 6.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस आर इक्वल है 0.7 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट, हाइट की वैल्यू पूछ रहा है। CSA ऑफ सिलेंडर 2πRh, 6.6 इक्वल होगा 2/32/7 इनटू 0.7 इनटू h, 6.6 इक्वल टू 44 इनटू 0.7/7 इनटू h, ये कट हो जाएगा 0.1, 6.6 इक्वल टू 4.4 इनटू h, 6.6 अपॉन 4.4 इक्वल टू h, पॉइंट से पॉइंट कट हो गया, 4 से 6 11 से कट कर दिया, h की वैल्यू आ गई 6 अपॉन 4, h आ जाएगा कितना 1.5 सेंटीमीटर। देव क्लियर है, कोई बात नहीं, क्या चलिए चलिए आंसर सेम आना चाहिए। देव क्लियर है, देव कट हो गया, कट हो जाता है सही बात, अगर ये कोई कष्ट में मोड़ दे तो सही है। देव क्लियर है, यस सर, यस सर, नोट हो गया ये, यस सर। वन
बिल्कुल इजी क्वेश्चन करा रहा हूं, फॉर्मूला दे दूंगा, अभी टफ क्वेश्चन नहीं लिए मैंने, चैप्टर वाइज करा रहा हूं, तो बेसिक से पढ़ा दूंगा। द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ स्प्लेंडर बेसल द 132 सेंटीमीटर, यानी सर्कमफेरेंस का फार्मूला होता है आपके पास 2 पाई r इक्वल है 132 के, ठीक है। हाइट है 2 पाई r की, जो गिवन है वो लिख रहा हूं, हाइट आपके पास गिवन है 35 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड आउट करा रहा है भी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का एयर स्पेस करना है। सबसे पहले आप यहां से सॉल्व करता हूं, 2 पाई आर 132 के इक्वल लगेंगे 2 इनटू 22 अपॉन 7 इनटू आर इक्वल टू 132, 44 अपॉन 7 इनटू आर इक्वल टू 132, 44 आर 132 इनटू 7 आर 132 अपॉन 7 अपॉन 44। कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे, 11 4 जा 11 1 जा 11 2 जा 4 3 जा, तो यानी r की वैल्यू 21 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर है पाई 22 अपॉन 7, r आपके पास 21 into 21 और h है आपके पास 35, 3 times 66 into 21 into 35 volume of cylinder आप आंसर में कौन सी दिखता है। प्राची आंसर कितना आ रहा बेटा? प्राची देव सर ये 21 है, ये 2.1 21 है बेटा, आर जो है ये 21 है, 48510 48510 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे आंसर कौन देगा, इसे मुझे कन्वर्ट करना है लीटर में, लीटर में देव देव देव। यस सर, जितना मेरी आवाज आ रही हो तो मैं कह रहा था इसे जो कन्वर्ट करना है वो लीटर में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे? बताओ बेटा, कौन बता रहे थे? प्राची बता रही है, प्राची सर 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे बेटा, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यानी आ जाएगा 48.150 लीटर। क्लियर हुआ देखिए ऐसे नो। अब इस चैप्टर के
दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख कर दो बेटा। देव और प्राची रख कर दो। हेलो आवाज आ रही है बेटा? यस सर। अब इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेशियो द रेशियो बिटवीन द सीएससी एंड द टीएससी सिलेंडर का सीएससी और सिलेंडर रेशियो टीएससी और सिलेंडर इक्वल है छोड़ा बेटा नो सर ज्यादा ऊपर लिख दिया आपने सीएससी और सिलेंडर रेशियो टीएससी और सिलेंडर इक्वल है 1:2 ठीक है। टीएससी ऑफ सिलेंडर गिवन है बेटा टीएससी ऑफ सिलेंडर गिवन है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सॉल्व सीएससी ऑफ सिलेंडर अपॉन टीएससी ऑफ सिलेंडर 1:2 CSA ऑफ सिलेंडर कितना होता है कौन बता रहा है देव देव सब पाई आर एल बेटा कहां पहुंच गए कौन तो पढ़ाया भी नहीं है अभी ये तो कौन तो पहुंच गए बेटा पाई आर एल तो तो वॉइस क्लियर नहीं आ रही हेलो प्राची आपको आ रही है यस सर बेटा सिलेंडर का जो सीएससी होता है वो 2 पाई आर एच टीएससी होता है 2 पाई आर एच प्लस आर 1/2 2 पाई से 2 पाई आर कट हो जाएगा एच अपॉन एच प्लस आर इक्वल होगा 1:2 के देख क्लियर आ रही है वॉइस ऐसे नो देव जितनी आपकी हाइट होगी उतनी आपकी रेडियस होगी इसमें ध्यान रखना इस बात को सेम आया बिल्कुल जितनी आपकी हाइट है उतनी आपकी रेडियस है सॉल्व करने पर देव यस सर क्लियर है यस सर यस सर आपके पास टीएससी ऑफ सिलेंडर कितना होता है कौन बता रहे थे टीएससी ऑफ सिलेंडर देव आवाज आ रही हो बेटा क्या कनेक्शन सही नहीं आ रहे
एच की जगह मैंने आर यूज कर लिया 616 44/7 इंटू आर 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 हो जाएंगे बेटा 2 आर 616 × 7 44 × 2 r² 616 / 44 × 2 r² मुझे आर स्क्वायर कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सर आर की वैल्यू बता रही है? आर की वैल्यू बता रही है, आर स्क्वायर इक्वल टू 49, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल होगा पाई आर स्क्वायर एच 22/7 × r × 7 × 8 भी आपका 7 से 7 कट हो जाएगा 22 × 49 वॉल्यूम आपके पास आ जाएगा क्योंकि जितनी आपकी वॉल्यूम है वो जितनी आपकी हाइट है उतनी आपकी रेडियस है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हुआ नहीं दिया सर वो? यस सर। देव आपको क्लियर है? देव यस सर। बेटा आवाज नहीं आ रही है रब कर दूं? यस या नो? यस सर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। टीएससी ऑफ सिलेंडर कितनी होगी? टीएससी ऑफ सिलेंडर ये थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, यहां से देखना 462 cm². ठीक है, सीएससी इक्वल है 1/3 ऑफ TSA, ये सब गिवन चल रहा है ना, गिवन चल रहा है। CSA of cylinder equal to 1/3 of TSA of cylinder 154 CSA BCA CSA ठीक है। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है आपसे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मैंने कहा था क्वेश्चन अच्छा है, सॉल्व बेटा ये टीएससी गिवन है, ध्यान से देखना। टीएससी ऑफ सिलेंडर होता है आपका 2 पाई आर एच।